नमस्ते फ्रेंड्स, दिवाली के त्योहार के लिए आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी स्नैक्स पिनव्हील मेथी वड़ा और पिनव्हील दाबेली। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो पहले हम बनाते हैं पिनव्हील मेथी वड़ा। दोनों रेसिपीज के लिए हम आटा साथ में ही गूंथ लेंगे। आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून रवा। रवा से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, या आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अंदर मोहन डाला है, इसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कप जितना पानी लेना है और कड़क आटे में हमें इसे गूंथ लेना है। ये देखिए आटा गूंथकर तैयार है और अब हम इसे 1 टीस्पून तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक डैम्प क्लॉथ से इसे कवर कर लेंगे और 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम मेथी वड़े की स्टफिंग बना लेंगे। मेथी वड़ा बनाने के लिए हम 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा। वड़ा और दाबेली तो आपने अक्सर खाई होगी। एक बार आप इस पिनव्हील वड़ा और पिनव्हील दाबेली को बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी होती है और स्पेशली बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। जैसे ही हमारा तड़का तैयार हो जाता है, हम इसमें डालेंगे हींग, 1.5 चम्मच रोस्टेड और क्रश्ड धनिया, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने से तड़के की स्टफिंग में कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च की पेस्ट। एक टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और इसे 1 मिनट तक हम पकने देंगे। सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम डालेंगे 2 बड़े कप फ्रेश मेथी और इसे 1 मिनट सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बॉइल्ड और मैश्ड आलू। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप रोस्टेड ओट्स। ओट्स बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देते हैं, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो हम इसे ठंडा करके आगे ठंडा होने के लिए रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे और एक बार हम अच्छी तरह से नीड कर लेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हम पिनव्हील दाबेली के लिए रख देंगे और इस हिस्से को हम पिनव्हील मेथी वड़ा के लिए यूज कर लेंगे।
इसकी मैंने 4 लोई बना ली है। एक लोई लेकर मैं इसका पेड़ा बना लूंगी कुछ इस तरह से। और अपने वर्क स्पेस या अपने रोलिंग बोर्ड पर आप आटा डस्ट कर लीजिए और इसकी अच्छी तरह से रोटी बना लीजिए। हमें रोटी बहुत ज्यादा पतली नहीं करनी है, होम स्टाइल फील ही रखना है। रोटी बेल ली है और अब हम इस पर स्टफिंग डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिर स्प्रेड कर लेंगे। अब हमें इसे टाइटली रोल करना है कुछ इस तरह से। और एज पर आते ही हम यहां पर इसके एज पर पानी लगा देंगे और इसे टाइटली रोल कर लेंगे। अब हम इसके नाइफ से 1/2 इंच के इक्वल पीसेस कर लेंगे। यह मैंने पीसेस काट लिए हैं और अब इसे हल्के हाथ से डैब करके स्लरी में डिप करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। स्लरी के लिए मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और नमक डाल के इसकी स्लरी हम तैयार कर लेंगे। हमारी स्लरी रेडी है। अब हम पिनव्हील्स इसमें डाल के डीप फ्राई कर लेंगे। पिनव्हील्स को हमें गोल्डन ब्राउन तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कलर चेंज होते ही अब हम इसे एक बार फ्लिप कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। अगर आपको पिनव्हील स्टोर करने हैं तो आप इसे सेमी फ्राई करके फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक। हमारे टेस्टी पिनव्हील मेथी वड़ा बन चुके हैं और हम इसे चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। अब हम बनाएंगे पिनव्हील डाबेली। पिनव्हील डाबेली की स्टफिंग बनाने के लिए हम पहले 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 3 टेबलस्पून डाबेली मसाला। डाबेली मसाला आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा और मैंने इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी है, तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। इसे हमें 1 मिनट के लिए अच्छी तरह सौते कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 उबले और मैश्ड आलू। दो टेबलस्पून रोस्टेड और क्रश्ड पीनट्स और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम बाकी के मसाले कर लेंगे। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 3 बड़े चम्मच खजूर इमली की चटनी और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कटा हुआ धनिया।
अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रेसिपी की शुरुआत में हमने आटे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्से से हमने पिनव्हील मेथी वड़ा बना लिया है और अब दूसरे हिस्से से हम पिनव्हील दाबेली बनाएंगे। आटे के पेड़े को मैंने मैदे से डस्ट कर लिया है और अपने वर्क स्पेस को भी डस्ट कर लिया है मैदे से। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। मैंने मीडियम साइज की रोटी बनाई है, इसे बहुत पतली नहीं करनी है। और अब हम इसमें दाबेली मसाले की स्टफिंग कर देंगे। इस पर हम 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना स्टफिंग डालेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम कॉर्नर पे पानी लगा लेंगे। और इसे टाइटली रोल कर लेंगे। कुछ इस तरह से। अब हम इसे 1/2 इंच के इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। सारे पीसेस को हम हल्के हाथों से डैब कर लेंगे। अब हम स्लरी में डिप करके फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ओवन को प्री हीट करके 20 मिनट्स 180 डिग्री पर बेक भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप पहले से इसे बनाकर सेमी फ्राई करके फ्रीजर में रख दीजिए एयरटाइट कंटेनर में, और जब आपको खाना हो तब आप निकाल के उसे फ्राई कर लीजिए। स्पाइरल्स लाइट ब्राउन होंगे तब हम इसे फ्लिप करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी पिनव्हील्स बने हैं और ये दिखने में भी इतने सुंदर हैं। इसे हम एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल देंगे ताकि एक्सेस तेल निकल जाए और फिर हम इसे चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। होप आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपनी कमेंट्स शेयर कीजिए। थैंक यू।